या वो अगर जो मिस्टेक हो गया तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई कर देंगे। और जो भी कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा और इन्जॉय करिए वीडियो का आगे। तब तक हम आज भी फिर दही खाना अच्छा लगता है, इन्जॉय करिए आप लोग। तो हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में हमेशा एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग कि कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचिएगा। तो आज का भी वीडियो इसी पर है। तो आज हम जाने वाले हैं चुचुड़ा में एक स्कूल है जिसका नाम है चुचुड़ा डफ हाई स्कूल HS। तो आज हम इस स्कूल पर जाएँगे और आपको वहाँ पर बताएँगे कि उस स्कूल पर आने के लिए आप लोग किस तरह से आइएगा, तो आपको पूरा जानकारी देंगे। कोशिश हमारा ये होता है कि आपको पूरा जानकारी दे, अगर कुछ हमसे छूट जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और तो आज का जो वीडियो है, तो अभी मैं फ़िलहाल अपने श्रीरामपुर स्टेशन जो हमारे घर से काफ़ी नज़दीक में पड़ता है तो यहाँ पर हूँ। और यहाँ से जब ट्रेन आएगी चुचुड़ा के लिए तो उसको मैं पकड़कर जब वहाँ पे उतरूँगा चुचुड़ा में, तो आपको सारा डिटेल्स बताऊँगा कि कैसे कैसे वहाँ पर आइएगा, कौन कौन सी ट्रेन आती है और वहाँ से ऑटो पकड़ के कैसे जाएंगे या क्या साधन है जो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और कुछ छूट जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो जब ट्रेन आती है तो आपको दिखाते हैं, जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उसके बाद आपको हम बता रहे हैं आगे कुछ सब कुछ। तो ट्रेन आ गया और इसी को पकड़ेंगे और चुचुड़ा उतर जाएंगे। काफ़ी भीड़ लग रहा है यार। ट्रेन पकड़ लिया है और यहाँ से चुचुड़ा उतरते हैं, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर सब बता देंगे कि कैसे कैसे आप लोग वहाँ पर ट्रेन से आइएगा। यार हमने जैसे आपको बताया कि हम चुचुड़ा स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे आइएगा, तो अभी हम चुचुड़ा स्टेशन पर पहुंच गए हैं, अभी ट्रेन से हम उतरे। तो चलिए आपको बता दें कि अगर आप यहां पर कैसे आइएगा, अगर आप हावड़ा से आ रहे हैं तो हावड़ा से ट्रेन पकड़िएगा, वहां से बंडिल लोकल, बर्दवान मेन, कटुआ, मेमारी, पांडुआ, ये सब लोकल आते हैं, इस रूट से होकर ही जाता है। तो आप यहाँ पर उतर जाइए, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारेगा गाड़ी यहाँ पर, और यहाँ से उतर कर आगे की तरफ जाइएगा, जिस तरफ अगर आपको ट्रेन जा रहा होगा उसी तरफ जाइएगा, सामने सामने उतरने के बाद, या आप किसी से पूछिएगा ऑटो स्टैंड जाना है तो आपको कोई भी बता देगा। तो यहाँ पर आने के लिए, चुचुड़ा आने के लिए ये सब साधन है जो आप ट्रेन से कौन कौन से गाड़ी पकड़ के आइएगा, ऑटो से जाएंगे देखते कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए। अब तो चलिए अभी दिखा देते हैं आपको कि किधर से आप लोग ऑटो स्टैंड पहुँचिएगा, ठीक है। तो ये रहा, इधर से जाना है सीधा हमें, इधर से उतर जाइएगा और काफ़ी गर्मी है यार। और अभी हमें ऑटो ले लिए, यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा और फेयर पूछे तो ये बताएं कि 15 रुपये भाड़ा है, ठीक है।
ये है आप लोग का स्कूल चुचरा डफ हाई स्कूल, इसी में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये बाहर से ऐसे दिखता है, ठीक है ना। तो हम इधर से आए थे अभी और यहाँ पे हमको ऑटो यहीं पर उतार दिया, ठीक है, स्कूल के सामने ही उतारा। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो स्कूल है, तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी गर्मी है यार, तो जैसे आप लोग देखा कि मैंने ट्रेन पकड़ के चुचरा बताया कैसे आइएगा आप लोग, और वहाँ से ऑटो स्टैंड पे गए नीचे बाहर निकल कर, और वहाँ से ऑटो पकड़े, 15 रुपया लिया भाड़ा, ठीक है, 15 रुपया लिया और पूरा स्कूल के सामने मुझे यहीं पर छोड़ गया। तो 15 रुपया भाड़ा है, ठीक है ना, इससे बेसी ले तो आप लोग उसे मत दीजिएगा, बोलिएगा, क्योंकि वहाँ से ये जो दूरी है 5 किलोमीटर स्कूल पड़ रहा है, 5 किलोमीटर पर है। तो आपको ऑटो वाला पूरा एग्ज़ाम सेंटर के पास ही उतारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए आसपास इस तरह का है, यही स्कूल है, ठीक है। तो एक रूट आपको और बताना हम भूल गए, वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आप सियालदा से अगर आ रहे हैं तो सियालदा वाला बता दें कि सियालदा से आप आइएगा तो नैहट्टी उतर जाइएगा, और वहाँ से फेरी घाट है, ठीक है ना, पानी वाला जहाज़, उसे पकड़कर आप लोग इस पर आ जाइएगा चुचड़ा की तरफ में, ठीक है। एक बार मैं जाकर वहाँ पर देख लेता हूँ कैसे वहाँ से आना है, वो भी बता देता हूँ। वहाँ से काफ़ी करीब में है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप सियालदा से रूट से भी आ सकते हैं, और आप किधर से भी आइए, किसी भी रूट से आइए, आप चुचरा उतर जाइएगा, उतरने के बाद वहाँ से ऑटो कैसे आइएगा ये सब आपको दिखा दिया। तो एक और रूट जो है सियालदा से जो आते हैं गंगा उस पार से, उनके लिए भी चल के वहाँ से एक बार दिखा देते हैं वो। वैसे आप लोग जो ये रास्ता जो देख रहे हैं, आपको एक बताना मैं भूल गया था, जो सियालदा से जो बताया, सियालदा से आप आ रहे हैं तो नैहट्टी उतरिएगा, वहाँ से नैहट्टी से करीब 5 मिनट चलिएगा पैदल तो एक फेरी घाट आता है, वहाँ पे आ जाइएगा, और वहाँ से आने के बाद आप नाव पकड़िएगा, आप गंगा इस पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से करीब 150 मीटर पर ही है एग्ज़ाम सेंटर, किसी से भी बोलिएगा चुचरा डफ हाई स्कूल। तो ये गंगा किनारे से होते हुए एक रास्ते, ये इसी रास्ते से होते हुए इधर से स्कूल जाएंगे, मतलब काफ़ी नज़दीक में है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एड्रेस पूरा बता दिया था कि कैसे कैसे आप लोग वहाँ पर आइएगा, और एक जो क्लिप था वो भी दिखा देंगे, जो नैहट्टी से आप लोग कैसे आइएगा वो भी बता दिए हैं। और आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, ऐसे ही तब तक के लिए जय हिंद।